अरे नंबर टू में बनाया गया सब्जी मंडी में का नीलामी केंद्र का कंट्रोल रूम देख सकते हैं। यहाँ पर माइक तो है पर माइक पर अनाउंस करने वाला नजारा तो आखिर कहाँ गए ये, क्योंकि मंडी में इस वक्त सब सब्जियों की वो नीलामी चल रही है और यहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। प्रशासन क्या बिल्कुल धृतराष्ट्र बन चुका है, क्यों नहीं जिम्मेदार कोई अधिकारी है? अभी आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से। ये देखिए आप, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। पूरे नीमच जिले में 150 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पहुंच चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई फर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आज सुबह सब्जी मंडी जो नीलामी केंद्र है नंबर 2 बाईस हाई सेकेंडरी स्कूल पर क्या दृश्य देखने को मिल रहा है। आखिर क्या ये कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश का नीमच को? क्यों नहीं अधिकारी जाग रहे हैं, क्यों नहीं इनकी आंखें खुल रही है क्या? क्यों ना ये अपने ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कोरोना को रोका जा सके? क्यों रिपोर्टें पॉजिटिव आ रही है जावा क्षेत्र की? ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पर नीलामी होती है, दूरदराज से भी आते हैं। कैसे यहाँ पर दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर गोले बनाए गए उसके कोई वहाँ पर नहीं है। किस तरह इसका उपयोग हो रहा है आप खुद देखिए, आपकी स्क्रीन पर शर्मसार करती है प्रशासन की कार्यप्रणाली। जैसे ये खरबूजे पास पास पड़े हैं ऐसे ही स्कूल उर्फ सब्जी मंडी में ये नीलामी केंद्र पर लोग पास पास खड़े हैं। सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियाँ, 100 से 125 रुपए ग्रेड चल रहा है, 25 किलो का ग्रेड आता है। ये कब शुरू हो जाती है आपकी मंडी सुबह? ये मंडी 7, 7:30, 8 बजे तक। 7 बजे तक अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 8 बज रही है। 8 बज रही है, ठीक। 8:08 तो सुना आपने, 8 बज रही है और यहाँ पर नीलामी केंद्र पर कंट्रोल रूम की क्या हालत है? कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर जो ड्यूटी पर सौंपा गया है कोई यहाँ पर निगरानी नहीं रख रहा, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। नीमच जिले में 150 कोरोना पॉजिटिव का क्या यही तो परिणाम नहीं है? आने वाला समय नीमच को और कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ये बड़ी लापरवाही साफ तौर पर प्रशासन की उजागर हो रही है इस कैमरे के माध्यम से, हमारी खबर के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ रही है। इसमें जो नंबर 2 हायर सेकेंडरी स्कूल में नीलामी केंद्र बनाया गया इसमें कंट्रोल रूम पूरी तरह से आपने देखा किस तरह से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, माइक लग रहे हैं उस पर बोलने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ हमें गेट पर 2 ट्रैफिक पुलिस के जवान जरूर ड्यूटी करते हुए हमें नज़र आए और दिखाई दिए। ये जवान ड्यूटी कर रहे थे, अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे थे। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय कोड़ की विशेष रिपोर्ट।